भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। यूथ फाउंडेशन ने आयोजित किया युवाओं के लिए भर्ती पूर्व परीक्षण कैंप। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे युवाओं को भर्ती पूर्व परीक्षण देने के लिए यूथ फाउंडेशन ने कर्णप्रयाग प्रखंड के नंदा शहर में कैंप आयोजित किया, जिसमें दर्जनों गांव के युवाओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण में सफल रहने वाले प्रतिभागियों को फाउंडेशन द्वारा 3 महीनों तक न सिर्फ निःशुल्क परीक्षण दिया जाएगा बल्कि उन्हें रहने और खाने की व्यवस्था की भी जाएगी। कर्णप्रयाग और गैरसैंण विकास खंड के बीच नंदा शहर में यूथ फाउंडेशन संस्था ने ऐसे युवाओं के लिए कैंप लगाया जो सेना में भर्ती होकर देश सेवा करना चाहते हैं। यहां आयोजित कैंप में कई गांव के युवाओं ने भाग लिया। कैंप में भाग लेने वाले युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए जैसा मापदंड चाहिए होता है, ठीक उसी प्रकार यहां पर भी युवाओं का शारीरिक नापतौल किया गया, जिसमें 13 युवाओं का चयन हुआ। अब इन चयनित युवाओं को 3 महीने तक निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें कि कर्नल कोठियाल द्वारा संचालित यूथ फाउंडेशन संस्था ने अब तक हजारों युवाओं को निःशुल्क परीक्षण देकर सैकड़ों युवाओं को सेना में भर्ती कराया है। यूथ फाउंडेशन के संस्थापक कर्नल अजय कोटियाल साहब के द्वारा पूरे उत्तराखंड में चयन प्रक्रिया चलाई जा रही है और इस समय 3 जिलों में यह चयन प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिसमें देहरादून, उत्तरकाशी और चमोली जनपद में 9 के 9 ब्लॉकों में ये चयन प्रक्रिया चलाई जा रही है और आज नंदा शहर में इसका आयोजन किया गया है। और अभी इसमें सबसे पहले बच्चों के डॉक्यूमेंट चेक किए गए और उसके बाद उनके जो मापदंड है नापतोल किया गया और उसके बाद उनका मेडिकल प्रक्रिया की जाएगी और जो इसमें फिट बैठेंगे उनको कैंप में आने के लिए समय दिया जाएगा और उन्हें फिर कैंप में बुला करके हम 3 माह का ट्रेनिंग देंगे और इस यह 3 माह की ट्रेनिंग निःशुल्क दी जाती है। इसमें आपके खाने, रहने और ट्रेनिंग की व्यवस्था सब निःशुल्क होती है और मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा कार्य है और युवाओं के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है और इसका फ़ायदा यहाँ के जवानों को उठाना चाहिए और कर्नल साहब के द्वारा जो ये मुहिम चलाई जा रही है उसका लाभ उठाना चाहिए।